श्रद्धा की निर्मम हत्या के बाद देश भर में माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं। खास तौर पर माएं अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंतित हैं और माएं अपनी तमाम उन बेटियों को फोन कर रही हैं जो बाहर रहती हैं और पूछ रही हैं कि कहीं तुम्हारे जीवन में ऐसा सब तो नहीं चल रहा। आज मैं आफताब के सोशल मीडिया हैंडल पर गया और देखा कि लोग वहां क्या लिख रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि खास वर्ग के लोग आफताब के सोशल मीडिया पर जाकर अपने कमेंट्स छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपने बिल्कुल ठीक किया। बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक डिवाइड हमारे देश में पैदा हो रहा है ऐसे निर्मम हत्याकांड पर भी, जो आपको हैरान कर देगा। दूसरा सवाल यह है कि आफताब का परिवार कहां है? आफताब के परिवार को सामने आना चाहिए, आफताब के लिए माफी मांगनी चाहिए। तीसरी बात है कि आज जब तहकीकात हो रही थी तो पता चला कि आफताब एक नहीं बल्कि बहुत सारे डेटिंग एप्स पर सक्रिय था और वो हर डेटिंग ऐप पर जाने के लिए एक नए सिम कार्ड का प्रयोग करता था। अब सोचिए किसी भी व्यक्ति को इतने सारे डेटिंग एप्स पर क्यों जाना है, वो किस मंशा के साथ जाता होगा। हमारे समाज में ये डेटिंग एप्स एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। इस हत्याकांड से ये